नशा तस्करों पर लगाम कसने के लिए सीआईए की टीम विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत नरवाना सीआईए टीम को सफलता मिली है। सीआईए टीम ने छत्तीसगढ़ राज्य से धान की आड़ में गांजों की तस्करी करने वाले आरोपी सोमवीर को 800 किलो गांजे सहित पकड़ने में सफलता हासिल की है। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1,60,00,000 रुपये बताई गई है। यह तस्करी हरियाणा पंजाब के कई जिलों में की जानी थी। डीएसपी अमित भाटिया ने बताया कि सीआईए स्टाफ नरवाना की टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया, जिसके पास से 800 किलोग्राम गांजा मिला है। पुलिस जींद ने एक स्पेशल कैंपेन चलाया हुआ है अगेंस्ट ड्रग पैडलर्स, जिसमें कल जो सीआईए नरवाना है उसने सफलता प्राप्त की है। 2 केसेस रजिस्टर किए हैं हमने, और दोनों ही केसेस में जो कमर्शियल क्वांटिटी नारकोटिक्स है उसको हमने सीज किया है। एक केस एफआईआर नंबर 222 हमने ये पीएससीटी में नरवाना में दर्ज की है, जिसमें एक एक्यूज्ड है सोमवीर, ये मिर्चपुर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट हिसार के, और इनको हमने गिरफ्तार किया है बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और इनसे हमने 8 क्विंटल जो गांजा है वो बरामद किया है, और जो मोडस ऑपरेंडी इनका था वो ये छत्तीसगढ़ में इन्होंने ये खेती करते हैं, वहाँ पे खेत लिए हुए हैं, और जो ये था जो चावल थे, चावल के इन्होंने बैग्स बना रखे थे, राइस के बैग्स, और उसमें ये छुपा के लेके आए। तो ऑल द वे वहाँ से ये ट्रैक्टर में लेके आए, हमें इनपुट थी, हमारी टीम ने इनको जब इन्होंने जींद क्षेत्र में एंटर किया है तो इनको राउंड अप किया है।